नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दी नेशनल टीवी में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि मुंबई की बैठक में आपने क्या तय किया है कि हिंदू आस्था और हिंदुओं को बदनाम करना है। इसका जवाब सोनिया गांधी को देना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ये सवाल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से किया। उन्होंने कहा कि ये बार बार हिंदू आस्था और हिंदू विश्वास, सनातन सत्य, इसके खिलाफ क्यों बयानबाजी की जा रही है। स्टालिन के बेटे ने सनातन को मलेरिया और डेंगू बोला है। आज ही राजा कह रहे हैं कि कोड है, HIV है। आपके गृह मंत्री कर्नाटक के बोले कि ये धर्म कब आया इसका पता नहीं। ऐसे में सोनिया गांधी से भाजपा की ओर से फिर मैं सवाल करता हूँ, पूछ रहा हूँ, मुंबई में आपने फैसला किया था, क्या हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, हिंदू चिंतन के खिलाफ इस तरह की शर्मनाक टिप्पणियाँ की जाएगी? आपके पुत्र कितना हिंदू है और सनातन को समझते हैं, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। सोनिया, राहुल गांधी कि कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता समझ लें, इतने लंबे काल में मुगल सल्तनत को, हिंदू आस्था को, सनातन को हिला नहीं सका। सैकड़ों वर्ष के ब्रिटिश शासन भी हिंदू आस्था को नहीं खत्म कर सका। सनातन की ज्वाला और चमकेगी। उन्होंने कहा जगदानंद बाबू बोल पड़े हैं, टीका लगाने वाले देश ने आज़ाद नहीं करने दिया। लालू यादव मुंबई में टीका लगवा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे थे? मदन मोहन मालवीय और कितने नेता थे, हमेशा उनके महान माथे पर टीका चमकता था। बाल गंगाधर तिलक टीका लगाते थे, गांधी जी रघुपति राघव राजा राम करते थे। ना ये लोग जानते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना कुछ समझते हैं। जगदानंद बाबू एक बार राम मनोहर लोहिया को पढ़िए कि उन्होंने भगवान राम, महादेव और कृष्ण की क्या चर्चा की है। आज मैं भारत का मूल संविधान आपको दिखा रहा हूँ। देश के काफ़ी लोग को ज्ञान है, सोनिया गांधी भूल गई है। भारत के आज़ादी के कई नेता थे जिनका नाम सामने नहीं आया। सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ। भारत की संविधान, संस्कृति और विरासत को संविधान में डाला। नंदलाल बोस जो पेंटर थे, उनसे लेखा खिंचवाया। कांग्रेस पार्टी हिंदू आस्थाओं का मखौल बना रही हो और लोग कह रहे हैं आपकी चुप्पी देश को बेचैन कर रही है। संविधान में जो तस्वीर दी गई उसमें बाबर और अकबर नहीं है, शिवाजी और कई तमाम लोग हैं। अर्जुन को कृष्ण भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश की तस्वीर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रदास का, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और भीमराव अंबेडकर के साथ कई लोगों के हस्ताक्षर है। कांग्रेस पार्टी को कुछ याद है कि भूल गई? नेहरू जी को कभी दिक्कत नहीं हुई कि प्रभु राम, कृष्ण का, नटराज और हनुमान का चित्र संविधान में रहे। हिंदू आस्था, हिंदू धर्म और संविधान का अपमान देश नहीं सहेगा। हम गांव गांव जाकर तमाम चीज़ों को बताएंगे, या कोई तरीका नहीं है कि सनातन HIV है। बीजेपी इसलिए घमंडिया कहती है, विपक्ष को क्यों रोज़ सनातन का अपमान किया जा रहा है? सोनिया जी, आज संविधान बनता है और महान विभूतियों के स्थान दिए जाते तो आप लोग कितना चिल्लाते। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खामोश कांग्रेस के महामंत्री बोलने आ गए थे। नीतीश कुमार संविधान पढ़ ले, रविशंकर प्रसाद देने का तैयार है। इसके प्रति नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं और यहाँ पर अपराध हो रहा है। नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।